खंडवा जिले के मुंदी नगर में भाजपाइयों ने आज मुंदी थाना पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के देश विरोधी बयानों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी मोहन सिंह सिंगोरे को ज्ञापन सौंपकर कमलनाथ पर FIR दर्ज करने की मांग की। वहीं मानधाता विधायक नारायण पटेल ने बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि बहुत वरिष्ठ हैं, इसके बाद इस प्रकार के अराजकता शब्द देश में फैलाना एक पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इस प्रकार के मानसिकता की सोच हमारे देश में पैदा करना और वातावरण खराब करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर देश में इस प्रकार की ज्यादा उड़दंगी करी तो हम भी उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है कमलनाथ और उनकी पूरी टीम अनगिनत आरोप लगा रही है। जितनी भी जान गई है उनको कमलनाथ झूठा बता रहा है। शिवराज जी फरेबी है, झूठे हैं, आग लगा दो, तहलका मचा दो जैसे शब्दों का प्रयोग करके देश का माहौल खराब करने का काम कमलनाथ द्वारा किया जा रहा है। हम ज्ञापन के माध्यम से FIR करवा कर कार्यवाही की मांग करते हैं। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। पूरे देश का पूरे वर्ल्ड में ये हमारे देश में प्रदेश में क्षेत्र में कोरोना जैसी महामारी आई है और पूरा वर्ल्ड पूरा देश पूरी सरकारें इससे निपटने के लिए हमारी जनता को सुरक्षित रखने के लिए जूझ रही है। रात दिन हमारे जनप्रतिनिधि हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, मेरे स्थानीय मुंदी के समस्त हमारे नेता भी हैं और प्रशासन भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है, सब पूरा अमला एक उनका उद्देश्य है कि हमारे बीच से हमारे अपने लोगों की जान न जाए। बड़े पैमाने पर ये बीमारी के प्रकोप से कई लोगों की जान गई है कोरोना जैसी, और एक नया ब्लैक फंगस आया है। इसको शांति स्थापित करना हमारा परम धर्म परम कर्तव्य है, मगर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की अराजकता का शब्द उनकी सोच और क्षेत्र में इस प्रकार भ्रांति फैलाना, उसके खिलाफ में हम हमारे जिला अध्यक्ष देवदास पटेल साहब, मंडल अध्यक्ष और पूरे जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ हम थाने पे FIR की मांग करने आए हैं कि ऐसे अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति पे कार्रवाई होना चाहिए। आज हम लोग एक उद्देश्य है कि यहाँ मृत्यु दर कम हो, यहाँ कोरोना के पेशेंट कम हो, और उसका परिणाम भी हमको मिला है। और आज इस प्रकार की अराजकता और इस प्रकार के मीडिया में और खुद की सोच ओछी मानसिकता की सोच हमारे देश में पैदा करना और वातावरण खराब करना, इसके खिलाफ में हम लोग आज उनके खिलाफ में खुले दिल से हम लोग आए हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए और पूरे प्रदेश में क्या देश में उनके खिलाफ हम आंदोलन, अगर ज़्यादा वो इस प्रकार की हठधर्मी करी तो हम भी उनके खिलाफ आंदोलन करें। पूरे प्रदेश संगठन ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है कमलनाथ और उसकी पूरी टीम अनर्गल आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के माध्यम से जो कार्य कर रही है उसको कमलनाथ ढकोसला बताने की कोशिश कर रहा है। अभी भी इतने लोगों की जो जान गई है उसको बता रहा है कि जो झूठ बोल रहे हैं, शिवराज जी झूठे हैं, शिवराज जी फरेबी भी, ऐसा बता के अपना एक माहौल खराब करना चाह रहा है पूरे प्रदेश में। उन्होंने लोगों को बोला कांग्रेस कार्यकर्ता कि आग लगा दो, तहलका मचा दो, मतलब अराजकता फैला दो, ऐसा करके पूरे प्रदेश में जो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है उसके खिलाफ माहौल बनाने की तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने सेवा ही संगठन करके 27-28 से 30 तारीख तक प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक ग्राम केंद्र में प्रत्येक नेता को जाना है और एक कोई सा ऐसा काम जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से करना है उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में अपने कार्यक्रम को पहुँचाना है। अभी एक घंटे पहले ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय VD शर्मा जी, संगठन मंत्री आदरणीय सुहास भगत जी, आदरणीय हितानंद जी, सभी ने संदेश पहुँचाया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है सेवा ही संगठन भाग 2 उसको लेकर विगत पाँच दिन तक लगातार सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। तो प्रत्येक कार्यकर्ताओं से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक कार्यकर्ता जो जहाँ पर है सोशल डिस्टेंस का उपयोग करके कम से कम 5 से अधिक 7 लोग रह के
सेवा का कार्यक्रम, जैसा भी यहाँ पर हमने थाने में माननीय PI साहब सिंगोरी जी के माध्यम से गरीब बंधु जो है उन जिनको आवश्यकता है सेवा की, उनको सामग्री पहुँचाना है, किसी को मास्क वितरण करना है, सैनिटाइजर वितरण करना है, किसी गरीब को स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ रही है तो अपने घोड़े से गाड़ी घोड़े से ले जाके उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है, उसकी चिंता करना है। आज पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया ये जो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि महामारी से सब मिलकर हम समाप्त करें ताकि देश उन्नत राष्ट्र बने। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।